हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। रिसेंटली मैंने एक स्क्रीनशॉट अपलोड किया था कम्युनिटी पोस्ट में, टेस्टिंग 6400 इन एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस। तो मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि लो लाइट में आप सोनी A6400 का मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। और कैमरा सेटिंग्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना के रखी है, फोटो के लिए कौन से रखनी है, वीडियो के लिए आप कौन से सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियोज़ आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोनी A6400 में कैसे हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है लेंसेज की। अगर आपको लो लाइट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो आपको प्राइम लेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे जिसका एपर्चर 1.8-1.4 होता है। और लेंसेज में आपको रिकमेंड करना चाहूँगा सोनी के जी मास्टर सीरीज के लेंस आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जी मास्टर के नहीं लेने हैं तो आप सिग्मा की तरफ जा सकते हैं। सिग्मा के जो लेंसेज है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं लो लाइट कंडीशंस में। और करंटली जो मैं सिग्मा का लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है 56mm f/1.4। काफ़ी अच्छा और शार्प लुकिंग इमेजेस इसमें मिलती है मुझे, वीडियोस के लिए भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो आप सिग्मा के भी लेंसेस ले सकते हैं। जो यहाँ पर दूसरे सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है रिजोल्यूशन। अगर आप कैमरा चेक करेंगे तो आपके कैमरा में जो मैक्सिमम क्वालिटी है, अभी 6400 की बात करें तो इसमें मुझे 4K 20fps का ऑप्शन मिलता है। अगर मुझे लो लाइट कंडीशंस में अच्छी क्वालिटी चाहिए तो मैं मैक्सिमम क्वालिटी यूज़ करता हूँ 4K 20fps। और जो शटर स्पीड में यहाँ पर रखता हूँ वो रखता हूँ 50। तो ये सेटिंग्स मैं यूज़ करता हूँ कैमरा में। और वाइट बैलेंस आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्रीसेट भी दिए गए हैं तो आप प्रीसेट्स वो चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है रिजोल्यूशन और FPS। और अगर आपका कैमरा 4K सपोर्ट नहीं करता है, HD कैमरा है आपके पास, तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो FPS है वो कम से कम रखना है, 24-25 FPS के ऊपर नहीं जाना है। और जो आपका शटर स्पीड है वो फ्रेम रेट के डबल रहेगा। अगर आप 25 FPS पर शूट कर रहे हो तो आपको 1/50 शटर स्पीड यूज़ करना है। और यही सेम सेटिंग के साथ अगर आप शूट करते हो तो आपको अच्छी बढ़िया क्वालिटी मिल सकती है। लेकिन साथ में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लेंस कौन से यूज़ कर रहे हो। अगर आप प्राइम लेंसेज यूज़ कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकल कर आएंगी, लेकिन अगर आप किट लेंस के साथ शूट कर रहे हो तो वो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आपको प्राइम लेंस दे सकता है। तो ये थी कुछ सेटिंग्स। और लेंसेज के बारे में मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स भी मैंने डाल रखे हैं, फोटो एडिटिंग कैसे करनी है, पोर्ट्रेट रिटचिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो फूड सिनेमाटोग्राफी के ऊपर होने वाली है, एडिटिंग बिहाइंड द सीन सब कुछ मैं उसमें डालने वाला हूँ। तो वो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, जल्दी वो वीडियो भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।